एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लिडनिट्स। हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारा जो बाइंड ऑफ है वो कैसे, बाइंड ऑफ रो हम कैसे खोलते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई स्कार्फ बना के उसको खोल के दूसरे कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपकी बीच में कोई मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कोई गलती हो गई है और आप बाइंड ऑफ रो खोल के वो मिस्टेक जो है, गलती है, करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ख़ास तौर पे जो नया नया सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए अक्सर ये इशू होता है कि भाई अब हमने बना के बाइंड ऑफ कर लिया है तो बाइंड ऑफ खोलना बहुत मुश्किल है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है बाइंड ऑफ खोलना, चाहे वो गार्टर स्टिच पर हो, चाहे वो चाहे वो गार्टर स्टिच पे हो, चाहे वो स्टॉकनेट स्टिच पे हो, चाहे किसी भी डिज़ाइन स्टिच पैटर्न पे हो, कास्ट ऑन की रो आप इजीली, बाइंड ऑफ की रो आप इजीली खोल सकते हैं, बट कास्ट ऑन की तरफ से आप नहीं खोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिर उल्टा प्रोसेस हो जाएगा एंड उसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल है। खोल सकते भी हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। अब ये है हमारा कास्ट ऑन, ये जो लाइन देख रहे हैं ये कास्ट ऑन की है। ये जो लाइन है, अगर आपको जस्ट ब्लैंकेट है, सीधा पीस है या स्काफ है, उसमें होता है कि न्यू बिगिनर को प्रॉब्लम हो, जो नया सीख रहे हैं कि कौन सी साइड हमारी ना सीधी वाली है, कहाँ से हम खोलें। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा एक दफ़ा हुआ था कि मैंने गलती से कास्ट ऑन को खोलना शुरू कर दिया था। बहरहाल इसीलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि आपको ये टेक्निक भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये जो होल देख रहे हैं निशान, और ये जो रो है हमारी, ये है बाइंड ऑफ की। अच्छा, वैसे भी स्वेटर में या किसी और चीज़ में आपको पता होगा डेफिनेटली कि हमने कहाँ पर बाइंड ऑफ किया है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह की लाइन जो जा रही है ये है बाइंड ऑफ की, और ये वाली जो लाइन जा रही है ये है कास्ट ऑन की। तो अब हम देखेंगे कि हम हमारी बाइंड ऑफ की जो रो है वो कैसे खोलते हैं। सबसे पहले अगर ये बाइंड ऑफ वेव इन हुआ हुआ है तो इसका वेव इन खोल लेंगे। यहाँ पे मैंने वेव इन नहीं किया हुआ था, जस्ट आपको सिखाने के लिए, तो ये मैं इसीलिए आपको जस्ट रो खोलना सिखा रही हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आपने वेव इन की वीडियो देखनी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने वेव इन कैसे किया हुआ है। थोड़ा सा उभरा हुआ होता है वो, और आसानी से खुल जाता है निडल से या नेटिंग निडल से या सुई से, किसी से भी। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको याद नहीं है कि आपने कौन सी सिलाई से बुना था, तो कोई भी ऐसी सिलाई ले लें जो कि ज़्यादा मोटी ना हो, पतली हो। मुझे याद था इसी से मैंने किया है तो इसीलिए मैंने यही ली है, बट अगर आपको याद नहीं है तो, पर आप कोई भी ले रहे हैं तो साइज़ जो है वो छोटी लीजिएगा, बड़ी ना लीजिएगा, थिक ना लीजिएगा, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नॉट लगाया था हमने, जैसे कि मैं आपको हर प्रोजेक्ट या किसी भी बाइंड ऑफ की वीडियो में भी दिखाया हुआ है मैंने, बाइंड ऑफ की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाइंड ऑफ की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि बाइंड ऑफ करने के बाद कैसे यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, ठीक है, टकिंग कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने कहाँ से बंद किया हुआ है। ये है वो जगह यहाँ से हमने बंद किया हुआ है, सही है। सुई डालेंगे या निटिंग निडल डालेंगे और इसको खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नॉट ही है, इसको खोलना है हमें, सही है। ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके, और ये है आपका धागा, आपकी ऊन जो आपने बंद की थी इसमें। अब आपने क्या करना है, बहुत ही आराम से, क्योंकि अगर आप अपना काम ख़राब नहीं करना चाह रहे, आप थोड़ा सा खोल के कोई चीज़ ठीक करना चाह रहे हैं या कोई डिज़ाइन बदलना चाह रहे हैं, स्टिच पैटर्न, तो थोड़ा सा आपने आराम से खींचना है, क्योंकि हमने वो घर उठाने हैं, सही है। हमने
अगर आप नया सीख रहे हैं, न्यू बिगनर है, तो इतना इतना आप खोल लें, ठीक है। इतना इतना खोलने के बाद मोड़ लें और आराम से पकड़ लें, ताकि हम इनको सिलाई पे डाल लें, गिरे ना ये। बैक साइड से हम ये घरों को आराम से सिलाई पे डाल सकते हैं। ये देखें, बाइंड ऑफ की जो रो थी वो हमने खोली, थोड़ी सी खोलने के बाद उसको खींच लिया धागे को, हमारे पास जो घर आए हमने सिलाई पे डाल लिए। अब हम थोड़ा सा आराम से दूसरे घरों को भी खोलते हैं। ज़्यादा ना खोलिएगा, पहले इन घरों को आप सिलाई पे डाल लें, ताकि आपके घर गिरे ना। बैक साइड से अब इन घरों को सिलाई पे डालते जाएं, सही है। जितने घर हमने खोले थे वो डाले हैं। इसी तरह आपने आराम से खींचना है यहाँ से पकड़ कर, क्योंकि हो सकता है कि ये निकल आए, घर आपके गिर जाए नीचे। अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जो निटिंग करते रहते हैं वो फिर उन्हें उठा सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये घर यहाँ भी चला है तो मैं उसे उठा सकती हूँ, लेकिन जो नया सीख रहे हैं उनके लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह आपने बैक साइड से डाल लेना है आपने सारे घरों को सिलाई पे। यहाँ पे हमने काफ़ी घर डाले हैं सिलाई पे, बट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बैक साइड से आपने करते जाना है, सिलाई पे डालते जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे थोड़े घर जो हैं हमने खोले नहीं हैं, हम उनको भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारे अब आप देख सकते हैं कि ये घर हमारा नीचे गिर गया है, तो हम इसे उठाएंगे, ठीक है। हम दूसरी सिलाई ले लेंगे। दूसरी सिलाई लेने के बाद आपने क्या करना है, ये इन घरों में सीधी सीधी आप सिलाई डाल लेंगे। इस घर को आपने यहाँ पे डाल लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा घर इधर ड्रॉप हो गया है, गिर गया है, ठीक है। बट आपको ये भी पता है कि ये गटर स्टिच वाली लाइन है, यहाँ पे हमने इस तरफ से सीधा होगा और इस तरफ से उल्टा होगा, तो हमने सिंपली क्या करना है, इस तरह से सिलाई डाल के, ठीक है, ये हमारा घर फिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने सीधा घर उठाना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारा घर गिरा है उसको पीछे करके इस पे डाल के इसको पकड़ लें और इसको पीछे ले जाना है, सही है। ये देखिए हमने उठा लिया, पर ये गलत है क्योंकि हमारी ये रो तो गार्टर स्टिच की है, तो हम जैसे गार्टर स्टिच है वैसे ही उठाएंगे उल्टा घर। इसी तरह हमने हमारी पूरी बाइंड ऑफ रो जो है वो ओपन कर ली है, एंड उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और इस टेक्निक से आपकी हेल्प भी हो, उम्मीद है।
कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं क्लिडनिट पे। एंड मैं अगर आप चाह रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि आपने अगर ड्रॉप स्टिच जो होता है डिज़ाइन में नीचे तक आ जाता है, आपका घर जब नीचे गिर जाता है बहुत, तो आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं वो टेक्निक भी सीखना तो मुझे बताइएगा, मैं वो टेक्निक भी आपको सिखा दूंगी कि अगर आपका स्टॉकनेस स्टिच में या गार्टर स्टिच में आपने जिसमें भी सीखना है कि आपका घर अगर नीचे गिर जाए तो बजाय पूरा काम खोलने के, पूरा पीस खोलने के, आप यहीं से ही वो कैसे उठा सकते हैं, पिक कैसे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की हाउ टू ओपन अ बाइंड ऑफ रो, कैसे खोलते हैं की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।